एग फ्राइड राइस हैं, ठीक है जी। चना पुलाव है, चना पुलाव ठीक है। चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी ठीक है। मशरूम चिकन, कौन सा चिकन? मशरूम चिकन, मशरूम चिकन चाइनीज डिश है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चौमियन है, ठीक है जी। चिकन मंचूरियन है, चिकन मंचूरियन ठीक है जी। चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई। ईरानी कीमा है, ईरानी कीमा ठीक है। शाही दाल, शाही दाल जबरदस्त जी। तो आज हम मौजूद हैं अल जवाद इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेंट। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो गरीब लोग, वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन चाहते हैं कि वो बूफे जो है उसको टेस्ट करें, बूफे के मज़े लें, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। बहुत कम प्राइस में आप लोग लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। क्या ख़ास बात है आज के इस रेस्टोरेंट की और आज के इस बूफे में क्या क्या होने वाले हैं, तो आइए चलते हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का खैरियत से हैं माशाल्लाह से बड़ा। आप लोगों का हमने नाम सुना है और वो लोग जो गरीब तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनका दिल चाहता है कि वो भी बूफे से लुत्फानंदोज हों, मुख्तलिफ डिशेज़ खाएँ कम पैसों में, तो आज के इस होटल का हमने इंतखाब किया है। तो क्या प्राइसेस हैं, क्या आप लोग जो है प्रोवाइड करते हैं, कितने पैसे चार्ज करते हैं ज़रा बताइएगा, उसके बाद हम मेन्यू भी देखेंगे क्या क्या आप लोग दिखाते हैं। सर लंच का हमारे पास 490 चल रहा है और डिनर का जो हमारा 690 चल रहा है। लंच 490, उसमें क्या क्या आप लोग देते हैं खाने में? उसमें चाइनीज़ की डिशेज होती हैं, पाकिस्तानी होता है, बारबेक्यू होता है, नान होता है और एक किस्म की स्वीट होती है। और डिनर में दो किस्म की स्वीट होती है, दो किस्म का बारबेक्यू होता है और चाइनीज़ की 4-5 डिशेज होती हैं, 5-6 पाकिस्तानी डिशेज होती हैं, सैंडविच होते हैं, फ्राइज होते हैं और उसके अलावा सैलड रायता। 490 में इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से, और 690 में आप डिनर भी कर सकते हैं। तो चले चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में ये प्लेट्स पड़ी हुई हैं, सैलड्स हैं, ये सैलड है एप्पल कैबेज फ्रेश ठीक है, ये आपको सूप है, चिकन कॉर्न सूप ठीक है, ये हॉट एंड सावर सूप है, ये हॉट एंड सावर सूप, सूप की टाइप्स हैं काफ़ी यहाँ पे ठीक है, ये सॉसेज हैं ठीक है। अच्छा जी ये क्या है? ये किड्स के लिए सैंडविच, किड्स के लिए सैंडविचेस भी यहाँ पर हैं, फ्राइज भी हैं, फ्राइज भी अवेलेबल हैं। और ये तुर्किश डिश है, तुर्किश डिश, ये क्या है? बैंगन से बनती है, बैंगन से। अच्छा 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 ठीक है, आगे चलते हैं। एग फ्राइड राइस है, एग फ्राइड राइस है ठीक है जी। चना पुलाव है, चना पुलाव ठीक है। चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी ठीक है। मशरूम चिकन, कौन सा चिकन? मशरूम चिकन, मशरूम चिकन चाइनीज़ डिश है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चौमियन है, ठीक है जी। चिकन मंचूरियन है, चिकन मंचूरियन ठीक है जी। चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई। ईरानी कीमा है, ईरानी कीमा ठीक है। शाही दाल, शाही दाल ज़बरदस्त। मिक्स वेजिटेबल, नाजिर आप थक जाएंगे लेकिन ये डिशेस ख़त्म नहीं होंगे, आगे चलते हैं। नान रोटी, नान रोटी है जी। चिकन सीख कबाब, चिकन सीख कबाब ज़बरदस्त। चिकन बोटी, चिकन बोटी साथ में इमली सॉस, इनकी इमली सॉस है ठीक, ठीक है जी। आगे लंबी शीरी, स्वीट है, स्वीट है ठीक, कौन सी शीरी है? लंबी शीरी, लंबी शीरी ठीक है जी। ये हलवा है, हलवा ओके। तो ये टोटल कितनी डिशेज हैं ये? 25 प्लस डिशेज ओनली ऑन 490 लंच के लिए, और डिनर करेंगे तो 690। मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। डिनर में दो तीन डिशे प्लस होती है। अच्छा 490 में जो है 25 डिशेज हैं और 690 जो डिनर है उसमें कुछ डिशेज एक्स्ट्रा भी है, तो इसलिए वो लोग जो कि चाहते हैं कि बूफे वो भी खाएँ और मुख्तलिफ डिशेज के मज़े लें, तो उनके लिए ये अल जवाद इंटरनेशनल होटल जो है वो यहाँ पर, लोकेशन भी इनसे पूछेंगे कि क्या लोकेशन है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं। तो आप बताइएगा कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? और हमारे पास रवाद से लोग आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, पंजाब से आते हैं, मुल्तान से लोग आते हैं, कलर सईदा से आते हैं, बड़े दूर दूर से लोग। अच्छा एक बंदा अगर जितना मर्जी खाए वो खा सकता है जी, जितना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन ठीक है। अब इसके अलावा जो टैक्स चार्जेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड? 5% टैक्स चार्ज होता है और कोल्ड ड्रिंक और पानी जो है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं।
अच्छा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस। तो किस किस्म के लोग आपके पास आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर मिडिल तबका का लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, गरीब लोग बहुत ज़्यादा। गरीब लोग बहुत आते हैं। अच्छे मतलब हाई क्लास लोग जनरली भी आती है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं। इसकी क्या खास वजह है? उसकी वजह यह है कि हम एक तो बहुत कम रेट में बहुत ज़्यादा डिशेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस वजह से मुझ जैसा आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कैसा इनको लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आते रहे? पहले भी आए। तो कैसा इनका टेस्ट कैसा होता है, खाने कैसे होते हैं इनके? बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, आप बताएं कौन सी चीज़ सबसे मज़े की लगी आपको यहाँ पे? यार सब चीज़ें अच्छी लगी हैं, हर चीज़ मज़े की होती है। ठीक है, तो नाज़रीन ये व्यूज़ आपने इन लोगों के जाने, ये कह रहे हैं कि सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और यहाँ पर स्पेशल इंतज़ाम भी किया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए यहाँ पर जो है जो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ये लोग दे रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर आप एक बार फिर से व्यू मैं दिखाना चाहूँ, ज़रा हमारे व्यूअर्स को आप लोकेशन भी बता दीजिए जो लोग आना चाहें। लोकेशन है मेन लातरा रोड खन्नापुर, अलजवाद इंटरनेशनल रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट। ठीक है जी, नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपके देखने के।